Hi, good morning, guys. Good morning, sir. We'll एक दो मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर. All right. Let's start the discussion आज का. So theory के point of view से मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोगों ने काफी कुछ cover कर लिया है chapter में. अभी जो part बचा हुआ है वो questions का ही बचा हुआ था and उसमें मैंने आपको बोला था कि booklet के कुछ questions आप लोग try करो, हम लोग discuss करते हैं एंड उसमें देखते हैं कि आपका कंफर्ट कैसा है, अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो लेट मी नो आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं चैप्टर में. यस सर. अच्छा, इस चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल कैसा लग रहा है, इजी, मीडियम, हार्ड? मीडियम. इजी है? चलो गुड. एक्चुअली इजी चैप्टर है. ठीक है. सो आप लोगों ने कुछ डाउट्स प्रिपेयर करे हैं, मतलब कुछ डाउट्स आप स्पेसिफिकली पूछना चाह रहे हो बुकलेट से, आपने कुछ क्वेश्चन ट्राई करे हो और आपसे नहीं बने हो from the different sections. अच्छा
तो फिर मैं थोड़े बहुत ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे करवाता हूँ अभी, ठीक है? एंड उसमें देख लेते हैं हम लोग कैसी प्रोफिशिएंसी चल रही है हमारी, और अगर ठीक ठाक है तो फिर आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर जाएं। इज दैट फाइन विद एवरीवन? यस ग्रेट। अच्छा, आपको नेक्स्ट चैप्टर की कौन सी बुकलेट मिली हुई है? नहीं मिली, बुकलेट नहीं मिली है। ओके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना चाहेंगे, ठीक है? एंड उस चैप्टर में फिर हम लोग देखेंगे, बुकलेट का भी मैं इनसे बात करता हूँ, आशीष से, तो आपको बुकलेट भी अरेंज करा देंगे उसका, ठीक है? ऑल राइट, तो चलो ये तीन क्वेश्चन करो, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको फटाफट आंसर करो। वन टू एंड थ्री। सर बताओ क्या आया आंसर? फर्स्ट का फोर एकदम सही। सेकंड का फोर प्लस फाइव, देन प्लस फाइव से आप गए प्लस टू, देन जीरो, देन माइनस थ्री, देन माइनस थ्री, एकदम सही। थर्ड का थ्री। इसमें आपने क्या करा, लंबा मेथड यूज करा या एन फैक्टर यूज करा? लंबा मेथड, राइट? क्योंकि कैसा होगा, कोफिशिएंट इनटू एन फैक्टर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू एन फैक्टर। जैसे MnO4- माइनस का कोफिशिएंट इनटू उसका एन फैक्टर 5 शुड बी इक्वल टू ऑक्सलेट का कोफिशिएंट इनटू उसका एन फैक्टर। ये हम लोगों को ऐसे मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट से समझ में आता है। ठीक है, या तो फिर आप लंबा मेथड से भी कर सकते थे, मतलब जो आपने बैलेंसिंग का सीखा है उससे पूरा का पूरा बैलेंसिंग करके
पर मैं यही एडवाइस करूंगा आपको दैट आप टाइम बचाओ। समझ में आया जो छोटा मेथड मैंने बोला? नाइस। कोफिशिएंट इनटू एन फैक्टर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू एन फैक्टर। तो मान लो इसका कोफिशिएंट एक्स है और इसका कोफिशिएंट वाई है, तो एक्स इंटू फाइव शुड बी इक्वल टू वाई इंटू टू। तो उससे आपको एक्स अपॉन वाई का रेशियो मिल जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। ठीक है? Yes, sir. All right. Then, और कोई लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें? इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन तो अपडेटेड ही नहीं है, थोड़े बहुत डाले हैं बस ऑक्सीडेशन नंबर पर, बैलेंसिंग करने पर, लाइक बहुत सिंपल सिंपल है। ये वाला फोर्थ वाला इस वाले का क्या आंसर रहेगा? प्लस सिक्स राइट। या आपने इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर लिखा होगा है ना? यस। अच्छा चलो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड वाला। इसमें कैन एग्जिस्ट टुगेदर का मतलब क्या होगा कि उनके बीच में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है तभी वो एग्जिस्ट कर पाएंगे टुगेदर। अगर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होगा तो फिर रिएक्शन होके कुछ और बन जाएगा। क्या रहेगा आंसर? फर्स्ट नहीं, फर्स्ट होगा सर। नहीं, एक सेकेंड, एक्चुअली सोचने दो मुझे। एफ ई टू प्लस में है और एस एन बी टू प्लस में है। ये प्लस थ्री से ओके।
FE, एक मिनट हाँ सो इसको कैसे एनालाइज करेंगे मैं एक बार समझने समझाने की कोशिश करता हूँ रुको तो इसमें हमें देखना पड़ेगा FeCl2SnCl2 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चन है FeCl2SnCl2 यहाँ पर Fe+2 स्टेट में है और Sn+4 स्टेट में है ठीक है सॉरी SnB+2 स्टेट में है देन FeCl3 एंड Ki FeCl3 SnCl2 और एक और क्या लिखा हुआ है HgCl2 and SnCl2 ठीक है अब इनमें अगर मैं देखूंगा तो ये आयरन प्लस थ्री में है ना यहाँ पर आयोडीन -1 +3 +2 +2 +2 ठीक है तो अब यहां पर तो रिएक्शन होगा ठीक है यहां पर इन द बी ऑप्शन आई कैन से रिएक्शन होगा क्योंकि I- खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये Ki विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है एंड इट विल ट्राई टू ब्रिंग डाउन आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट FeCl3 माइट वांट टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है देन इन द थर्ड ऑप्शन ऑल्सो ठीक है Sn से Sn+4 में जाना चाहेगा ठीक है SnCl2 खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा विल ट्राई टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट विल ट्राई टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर भी SnCl2 एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है एक्चुअली ये तो थोड़ा ट्रिकी हो गया ये FeCl3 को एक्चुअली कहाँ पे लेके चला जाएगा Fe2+ में यहाँ पर भी Fe2+ में एंड यहाँ पर HgCl2 से ये लेके चला जाएगा Hg2+ में मर्क्यूरस आयन में बट यहाँ पर तो ऑलरेडी आयरन Fe+2 स्टेट में ही है तो Ki उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाएगा सॉरी SnCl2 उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाएगा ठीक है मोस्ट लाइकली तो इसका आंसर मुझे भी ए ऑप्शन ही लग रहा है देख लेते हैं एक बार पीछे इसका आंसर चेक किया क्या आपने पीछे आंसर क्या है इसका PyQ PyQ में सेकंड का फर्स्ट ही है हाँ
ठीक है हाँ, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले ही है ना। ठीक है, मेक सेंस, फर्स्ट वाला ही रहेगा। ऑल राइट, देन इसके अलावा इसमें और कौन सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन ढूंढें? बाकी सब तो आसान आसान लग रहे हैं। अच्छा, सेवेंथ वाला, ये सेवेंथ वाला आई डोंट नो आपको आता है कि नहीं आता है ये, मतलब इसमें थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज लगेगा। ये आई थिंक मतलब मिक्स क्वेश्चन हो गया दो चैप्टर्स का मिलाकर। ये आई डोंट थिंक आपको आता होगा, मतलब इसमें रिएक्शन का नॉलेज लगता है। KCLO3 को जब आप हीट करते हो तो वो KCl plus O2 देता है, एंड H2C2O4 को जब आप हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो वो H2O plus CO2 plus CO दे देता है। ऐसा होता है, ये रिएक्शंस एक्चुअली पता होने चाहिए थे टू आंसर दिस। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का ही होता है, ये +5 से -1 जाता है। ऑक्सीजन -2 से 0 है, कार्बन यहाँ पर +3 से एक जगह +2 में जा रहा है, एक जगह +4 में जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का ही चेंज होता है। पर ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें रिएक्शन का नॉलेज चाहिए, आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आगे। अच्छा, देन आई थिंक ये सब तो इजी है। ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सिक्सटीन्थ वाला क्वेश्चन का आंसर ये भी आपको नहीं आएगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। सिक्सटीन्थ वाले क्वेश्चंस के लिए रेफर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। ठीक है, हम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा ना जूनियर क्लास में, आप लोगों ने ये पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? पीरियोडिक टेबल, तो उसमें एक्चुअली ये बताते हैं, मतलब उसमें ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे उसमें ये हमारा रेफरेंस रहता है हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसके इसमें ऐसा रहता है टिपिकली लिथियम रहता है,
Li plus plus इलेक्ट्रॉन इज गिविंग एल आई, ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहता है. एंड एफ टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज गिविंग टू एफ माइनस, तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है ये. लेकिन आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ोगे, तो अभी आपको मैंने ऐसा लिस्ट नहीं बताया है कि यू नो कौन सा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. हम लोगों ने इस चैप्टर में सिर्फ इतना पढ़ा है कि हाँ, मतलब कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मिलेगा, ठीक है. इसका आंसर वन रहेगा. अच्छा, 18th और 19th ट्राई करो. 18th और 19th बता सकते हो, ये आने चाहिए. हाँ, 18th और 19th दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये दोनों आपको आ जाने चाहिए. आया आंसर? एटीन का क्या आया? सेकेंड बी. नहीं, थर्ड. देखो, एक एक करके समझाता हूँ. 18th क्वेश्चन में चार ऑप्शन है हमारे पास में. क्या क्या ऑप्शन है?
H2S, SO3, H2O2, H2S, SO3, H2O2 and F2, ठीक है? अभी यहाँ पर नोटिस करना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, ठीक है? एंड सल्फर का रेंज क्या है? सल्फर का रेंज है -2 to +6, ठीक है? तो अब ये जो H2S है, ये -2 के तो नीचे जा नहीं सकता, है ना? तो ये और खुद रिड्यूस नहीं हो सकता, तो खुद रिड्यूस नहीं हो सकता मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता. सो ये इसके लिए मैं लिख सकता हूं दैट इट कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? इट कांट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. SO3 के बारे में देखेंगे अगर अपन, SO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? +6 है. सल्फर का रेंज -2 से +6 ही रहता है ना, राइट? तो अब इसमें कैसा बोलूंगा मैं कि सल्फर +6 के तो ऊपर जा नहीं सकता, तो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, सामने वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, तो इट कांट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? अच्छा, फ्लोरीन यहाँ पर तो जीरो है. फ्लोरीन का रेंज आपको पता है क्या होता है? फ्लोरीन का रेंज होता है -1 से 0, ठीक है? फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी पॉजिटिव नहीं आता. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या तो -1 रहेगा या 0 रहेगा. तो इस केस में भी हमें समझ में आया कि इट कांट, अब क्या होगा, ये हाईएस्ट है, इसके ऊपर नहीं जा सकता ये, राइट? तो ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो दूसरे को रिड्यूस नहीं करेगा, कांट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? यहां पर ऑक्सीजन -1 है, राइट? एंड ऑक्सीजन -2 से, ठीक है? इनफैक्ट ऑक्सीजन 0 भी रह सकता है, ऑक्सीजन +1 और +2 भी रह सकता है, ठीक है? बहुत कम एग्जांपल है जहां पर ऑक्सीजन +1 +2 रहता है. मतलब +1 ऑक्सीजन कब रहेगा? जब ऐसा O2F2 होगा या फिर OF2 कंपाउंड होगा, तो उसमें ऑक्सीजन +1 या +2 रह सकता है. बट टिपिकली ऑक्सीजन मैक्सिमम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, ठीक है? तो इस केस में कैसा रह गया, यहाँ पर इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बीच में है ना, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है. ये समझ में आया? Yes. अच्छा, अब इसके बेसिस पर आप 19th क्वेश्चन भी आंसर करने की कोशिश करो. सर, फोर हो सकता है. फोर हो सकता है, बिल्कुल. इसमें नाइट्रोजन फोर सर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और नाइट्रोजन का रेंज क्या रहता है? -3 से +5. तो नाइट्रोजन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, तो मतलब इट कैन एक्ट एज
oxidizing as well as reducing agent. ठीक है, यहाँ पर SN क्या रहेगा, SN रेडिली प्लस टू से प्लस फोर में ही जाना चाहता है, ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, SNCl2 खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पर सोडियम तो खैर अपना चेंज करता नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सीजन माइनस टू में, ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन में नाइट्रोजन प्लस, थर्ड ऑप्शन में नाइट्रोजन प्लस फाइव में उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इनमें चेंज नहीं करेगा, तो इट इज ओनली द फोर्थ ऑप्शन विच मेक्स मोस्ट सेंस, ठीक है। अच्छा देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन, ये सब तो आसान लग रहा है मेरे को, इसमें बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, आई थिंक ये बाकी सब सिंपल ही है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ, अब आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो खुद से, ठीक है। ये 18th वाला बता दो, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं 18th वाले को, ये 17 और 18 बता दो, चलो दोनों ही बता दो, 17 और 18 थर्ड, थर्ड एकदम सही, और 18 वाले में का थर्ड दोनों सही है, ठीक है। तो आई थिंक बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर पाओगे, ठीक है, तो मैं अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ, बाकी आप लोग डेफिनेटली खुद से सीख जाओगे। अब मैं स्टार्ट कर दूं नेक्स्ट चैप्टर आज के लिए, तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके पहले वॉल्यूमेट्रिक के पहले आपका कौन सा चैप्टर हुआ था, आयोनिक, ठीक है ठीक है ओके।
सो अब हम देखते हैं इस नए चैप्टर के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स। अगेन काफी इजी चैप्टर है, ठीक है। मतलब आप मुझे अगर इसका लेवल पूछोगे तो इजी टू मीडियम के बीच में मैं इसका लेवल रखूंगा। इसका वेटेज काफी अच्छा है, ठीक है। मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है कि कितना परसेंटेज है, आपको मिल जाएगा डेटा, मैं रहेगा तो ढूंढ के ही बता दूंगा, बट इसका वेटेज अच्छा रहता है, ठीक है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। एंड इसका एप्लीकेशन इन रियल लाइफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब रियल लाइफ में दिस चैप्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शन। तो एक बैकग्राउंड देता हूं आपको। आप लोगों ने जब रिएक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, होगा कि नहीं होगा ये कौन बताता है? होगा या नहीं होगा ये कौन बताता है? ये बताता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द आंसर। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। इससे हम लोग कैसे जज करते हैं, इसमें कैसे पता, थर्मोडायनेमिक्स हमें कैसे बताता है? डेल्टा जी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे अगर लेस देन जीरो होगा तो मतलब रिएक्शन होगा, है ना। ये अपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर हो रहा है रिएक्शन तो उसमें हमें एक और सवाल आता है कि अच्छा चलो रिएक्शन हो रहा है तो कितना होगा। मतलब जो हम लोगों ने पूछा था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ठीक है। लाइक ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड जाएगा या फिर लाइक अल्फा मच मच लेस देन 1 होगा, ठीक है, बहुत ही वेरी लेस एक्सटेंट जो हम लोग सीखे थे, ठीक है, या फिर कुछ बीच में रहेगा, मतलब 20% जाकर इक्विलिब्रियम आ रहा है, 30% जाके इक्विलिब्रियम आ रहा है। ये हमें इस सवाल का जवाब हमें किस चैप्टर में मिला था? केमिकल इक्विलिब्रियम, एकदम सही। सो इस सवाल का जवाब हमें मिला था केमिकल इक्विलिब्रियम गिव्स द आंसर, ठीक है। इसमें हम लोग अल्फा कैलकुलेट करते थे, अल्फा कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन के, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, ठीक है। अब एक तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल रहता है रिएक्शन के बारे में कि मान लो हमें पता पड़ा कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और 20% हो रहा है, 20% जाकर इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है, ये भी हमें पता पड़ गया केमिकल इक्विलिब्रियम की नॉलेज से, पर वो 20% होने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटे में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा, 1 साल लगेगा, राइट? वो हमें नहीं पता है,
ठीक है, सो हमें तीसरा सवाल है टाइम टेकन फॉर रिएक्शन, ये हमारे लिए तीसरा सवाल हो जाता है। तो ये इसका जवाब थर्मोडायनेमिक्स के पास में नहीं है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के पास इस चीज का जवाब नहीं है। ये हमें किससे पता पड़ता है? सो दिस आंसर इज गिवन बाय दिस चैप्टर कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स गिव्स आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज वेयर दिस चैप्टर इज वेरी वेरी प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लिए रियल लाइफ में जरूरी है ना, चीजें स्लो हो रही हैं, फास्ट हो रही हैं, तो कैसे उनको हम लोग स्टडी करें। ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड है इस चैप्टर का, जो कि हमें इस केमिकल रिएक्शन की नॉलेज को और बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, अच्छा अब इस चैप्टर का आउटलाइन देखना। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सब टॉपिक पढ़ेंगे, सो एक बार मैं एक ब्रॉड आउटलाइन बता देता हूँ। आउटलाइन ऑफ चैप्टर कैसा रहेगा, तो सबसे पहले रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू रेट, ठीक है, रेट होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे और इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक बार जब हमें रेट समझ में आ गया, ठीक है, आप मान के चलो कि ये एक ही लेक्चर के अंदर हो जाता है, या आज के आज में मैं आपको बता दूंगा, इंट्रोडक्शन दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद में हमें रेट समझ में आ गया, तो फिर हम समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें एक बार समझ में आ गया कि चलो रिएक्शन की स्पीड क्या है, किस रेट से हो रहा है, कितने मोल पर सेकंड रिएक्ट कर रहे हैं या कितने मोल पर आवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम चाहते हैं कि उस रेट को कम करना या ज्यादा करना, तो कौन से फैक्टर्स को चेंज करने पर रेट पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब फैक्टर्स भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन, देन टेम्परेचर एंड देन कैटलिस्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी लिस्ट ऑफ फैक्टर्स रहते हैं। ठीक है, बट इन तीनों को हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, इस डिटेल को कवर करने में एटलीस्ट 5 से 6 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, लेक्चर 2 से आप मान के चलो लेक्चर 7 तक यही चलेगा। ठीक है, तो उसमें इनफैक्ट आप मान के चलो कॉन्सेंट्रेशन अकेले में 3 से 4 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, देन टेम्परेचर पे 1 लेक्चर, कैटलिस्ट पर भी 1 लेक्चर मिनिमम लगेगा समझने के लिए, और उनके न्यूमेरिकल्स भी साथ में प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा आउटलाइन है पूरे चैप्टर का, जिस आउटलाइन पे हम लोग ये चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रेट के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज चैप्टर विद
introduction to rate. Now, definition अगर मैं इसका देखूंगा रेट और स्पीड इज डिफाइंड एज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन टाइम टेकन. ये एक जनरल डेफिनेशन हो जाता है रेट का, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन टाइम टेकन. अब ये जो क्वांटिटी है ये टिपिकली ध्यान से नोटिस करना, हम लोग या तो मोल्स यूज करेंगे या फिर मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, दीज आर कॉमनली यूज्ड. ठीक है, ये हम कॉमनली यूज करते हैं. जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें 5 मोल 10 मिनट में कंज्यूम हो रहे हैं तो रेट क्या हो जाएगा, 5/10, हाफ मोल पर मिनट. ठीक है, तो ये रेट का एक जनरल डेफिनेशन हो गया. अब नोटिस करना, हम लोग जब रेट को डिटेल में पढ़ते हैं तो उसके लिए दो इम्पोर्टेंट चीजें रहती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज एंड रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, दो चीजें हैं और इनके बीच का रिलेशनशिप भी हमें बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो मान लो कि कोई एक रिएक्शन है, ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी. ठीक है, ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स, सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स एंड स्मॉल ए बी सी डी आर रेस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, ए बी सी डी आर रेस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब क्या होगा यहां पर देखना, इंडिविजुअल स्पीशीज के हम बात कर रहे हैं. सो रेट ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज इज डिफाइंड एज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ दैट स्पीशीज, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ दैट स्पीशीज अपॉन टाइम टेकन. ठीक है, सो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ ए, ठीक है, सब्सक्रिप्ट में मैंने ए लिख दिया तो ए क्या हो जाएगा, चेंज, चेंज हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम टेकन, है ना. रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन. एंड इसी तरीके से मैं सारे स्पीशीज का
रेट लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना ए का जो चेंज होगा, ठीक है, चेंज क्या होता है, चेंज इज ऑलवेज, कैसे लिखते हैं चेंज को, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो विद रिएक्शन बढ़ेगा कि कम होगा, जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा तो इंक्रीज होता जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो फाइनल जो है वो छोटा है और इनिशियल बड़ा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ए के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना। बट हम लोग रेट को कभी भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव का साइन ऑलरेडी लगा देंगे, क्योंकि ए रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, ठीक है, सी एंड डी प्रोडक्ट है, तो उनमें पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों करा हमने, बिकॉज रेट्स आर ऑलवेज रिपोर्टेड एज पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, द साइंस आर यूज्ड बिकॉज रेट आर ऑलवेज रिपोर्टेड एज पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट समझना, इसमें थोड़ी सी इंग्लिश कैसे आएगी। तो अब जो ये रेट ऑफ ए लिखा है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश यूज करके कैसे बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ए एंड बी क्योंकि रिएक्टेंट है तो इनके लिए इसको ऐसे अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, इसको रेट ऑफ कंजम्पशन of reactant, ठीक है, या फिर ऐसा rate of disappearance, अभी spelling पता नहीं मुझे, एक बार check कर लेना, हो सकता है spelling सही हो सकता है नहीं हो, but rate of disappearance of reactant, ठीक है, इस तरीके से कई बार बोला जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के लिए क्या यूज हो जाएंगे वर्ड्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज हो जाएंगे, तो वो इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया इंडिविजुअल स्पीशीज के बारे में। ठीक है, अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन करेंगे वो यहाँ पर देखना, हमें ये पता है यूजिंग मोल कंसेप्ट, हमको इस चीज के बारे में आइडिया है। ठीक है, जो ये ऊपर रिएक्शन लिखी है हमने उसके लिए मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड अपॉन इट्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड अपॉन इट्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड upon its coefficient will be equal to moles of D produced upon its coefficient। ये हमने मोल कंसेप्ट में सीखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इनको टाइम टेकन से डिवाइड कर दूं तो ये कैसा हो जाएगा, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी बाय डेल्टा डी डेल्टा टी एंड वन अपॉन डी डेल्टा डी बाय
डेल्टा टी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर नेगेटिव साइन रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा, क्योंकि नेगेटिव रिएक्टेंट्स के लिए और पॉजिटिव प्रोडक्ट्स के लिए है। तो ये बराबर हो जाएंगे, है ना। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, दैट इंडिविजुअल रेट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, ये सबका बराबर होगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेट ऑफ अ स्पीशीज डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये सबका बराबर होगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन और इंडिविजुअल रेट के बीच का रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोल देंगे, ठीक है। इसमें ये चीज जरूर ध्यान देना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट रहेगा, ठीक है, दैट यहां पर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ स्पीशीज मस्ट बी इन मोल्स और मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसे मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट लिखते हैं ना, हम लोग मास अपॉन कोएफिशिएंट इक्वल टू मास अपॉन कोएफिशिएंट थोड़ा लिखते हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी का चेंज हो रहा है वो मोल्स या फिर मोलारिटी, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो हम बोलते हैं उसी में लिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें समझ में आई, रेट ऑफ इंडिविजुअल एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये समझ में आया आपको? यस। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक काफी सिंपल सा था जो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, काफी बेसिक सा है, ठीक है। इस पे मैं एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। तो इसमें देखते हैं, ये रिएक्शन हो रहा है 2N2O5 is giving 4NO2 gas plus O2 gas, ठीक है, ये रिएक्शन है, ठीक है। एंड इसमें ऐसा बोला जा रहा है आपको दैट इन अ सर्टन time interval rate of decomposition of N2O5 is 1.8 into 10 raised to the power of -3
मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट विल बी, ठीक है, तीन चार सवाल पूछ लेते हैं। एक पूछ लेते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन हम पूछ रहे हैं, ठीक है, इन द सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, एंड यूनिट्स भी आपको वही देनी है, मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। और एक चौथा पार्ट रहेगा इफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 10 लीटर देन डिटरमाइन द मोल्स ऑफ O2 फॉर्म्ड इन 3 मिनट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। अरे जूम बताओ आंसर। हाँ, आया किसी का आंसर? So, यहाँ पर सर हाँ बोलो, फर्स्ट का 1.8 इनटू 10 टू द पावर मैक्स 1.8 ही आ रहा है। हाँ
नहीं, देखो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर आपके सामने ये रिएक्शन है 2N2O5 is giving 4NO2 plus O2 gas, ठीक है? तो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है देखना, -1/2 डेल्टा N2O5 by डेल्टा T, ठीक है, is equal to +1/4 डेल्टा NO2 by डेल्टा T is equal to +1/1 डेल्टा O2 by डेल्टा T, ठीक है। इस चीज को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जो ये इंडिविजुअल पार्ट है, कोफिशियंट अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इंडिविजुअल रेट हो गया, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2O5, ये हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ठीक है, और ये हो गया रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है, दैट 1/2 इंटू रेट ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू रेट ऑफ NO2 इज इक्वल टू 1/1 इंटू रेट ऑफ O2। ये मेरा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अब आपको ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, आपको जो दी हुई है वो क्या हुई, दिया हुआ है क्वेश्चन में इंडिविजुअल रेट, आपको रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दिया हुआ है, यानी कि इंडिविजुअल रेट दिया हुआ है। तो ये आपको दिया हुआ है 1.8 × 10⁻³ मोलार पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट या मोलार पर मिनट। तो इससे मेरे बाकी आंसर्स क्या क्या आएंगे, फर्स्ट का 3.6 × 10⁻³ मोलर पर मिनट, ये आपका पहला आंसर होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है 0.9 0.9 × 10⁻³ मोलर पर मिनट, एंड यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 9 × 10⁻⁴ मोलर पर मिनट भी बोल सकते हो, है ना। अच्छा, अब यहां पर नोटिस करना, जो डी पार्ट है उसमें कैसा आ जाएगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी, यही रेट होता है, और ये आपका दिया हुआ है 9 × 10⁻⁴, है ना। एंड इससे डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन बोला है कितना, 3 मिनट्स, है ना, ये मोल पर मिनट है और ये 3 मिनट्स बोला है। तो डेल्टा O2 के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2.7 × 10⁻³ मोलर, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मोल्स ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम, है ना, मोलारिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम 10 लीटर दिया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उधर, तो चेंज इन मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 2.7 × 10⁻²। ये आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। समझ में आया, इज दिस क्लियर? ठीक है, कुछ डाउट रहे तो बीच में बता देना। अच्छा, थोड़ा सा अब एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसी को डिफिकल्ट बना रहा हूँ, देखो अगर आप कैच कर पाते हो क्या।
if the rate of formation of SO3 is 80 grams per second, then determine the rate of disappearance of SO2 and O2 in gram per second. ठीक है, और हमारा रिएक्शन है 2SO2 plus O2 is giving SO3. ये हमारा रिएक्शन है. ठीक है, चलो आंसर बताओ. वही केयरलेस मिस्टेक कर दी जो मैं मना कर रहा था. चलो मैं हिंट दे देता हूं. मोल अपॉन कोफिशिएंट इक्वल टू मोल अपॉन कोफिशिएंट होता है ना. मास अपॉन कोफिशिएंट इज इक्वल टू मास अपॉन कोफिशिएंट थोड़ी ना होता है. अब ट्राई करो. सर 1.5 कितना आया? 0.5 एंड 0.4 नहीं नहीं 1.5
20 grams per second. देखो मैं बताता हूं एंड नोटिस करना कि इसमें यहां पर रेट ऑफ SO3 आपको दिया हुआ है 80 ग्राम पर सेकेंड. ठीक है, अब SO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 80. ठीक है, तो 80/80 ये मोल पर सेकेंड आ जाएगा, राइट, बिकॉज दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट विल बी मोल. तो ये आ जाएगा आपका 1 mole per second. ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई रिलेशनशिप बिटवीन रेट्स ऑफ स्पीशीज, बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. ऐसा क्यों सर, मॉलिक्यूलर वेट तो 160 आएगा ना SO3 का, नहीं ना, 32 + 3 × 16 कोफिशिएंट भी तो है. केयरलेस मिस्टेक कर दी तुमने. यस यस, हाँ तो ठीक है, अभी अपने पास ऑप्शन रहते हैं तो आपको ऑप्शन रहता तो शायद दिख जाता. So now we can apply the relationship between rate of different species. ठीक है, क्योंकि मोल पर सेकेंड के यूनिट में ही हम लोग रिलेशनशिप अप्लाई करते हैं. तो वो रिलेशनशिप कैसा है रहता है, रेट ऑफ SO3 अपॉन इट्स कोफिशिएंट विल बी रेट ऑफ SO2 अपॉन इट्स कोफिशिएंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ O2 अपॉन इट्स कोफिशिएंट. तो इससे क्या समझ में आ जाएगा, रेट ऑफ SO2 आ जाएगा सेम 1 mole per second. ठीक है, अब मोल कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं अभी, तो 1 gram per second में आ जाएगा, है ना. मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है SO2 का, 64, है ना. SO2 का मॉलिक्यूलर वेट होगा 64, तो ये आ जाएगा 64 gram per second. सिमिलरली रेट ऑफ O2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 mole per second. 1 × अब इसका मॉलिक्यूलर वेट करूंगा तो ये ग्राम पर सेकंड में आ जाएगा. इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 32. ये आ जाएगा मेरा 16 gram per second. तो ये मेरा करेक्ट आंसर रहेगा रेट का. ये जो रिलेशनशिप है ये हम, ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये हम फॉर मोल लगा सकते हैं, फॉर मास नहीं लगा सकते. ठीक है, ये समझ में आया? यस. अच्छा ठीक है, तो आई थिंक आपको रेट का बेसिक आइडिया लग रहा है कि रेट क्या होता है, और इंडिविजुअल स्पीशीज का और ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी हमें डिफाइन करना आ गया है. ठीक है, अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं कवर कर देता हूं, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब ये चीज आपने वैसे तो फिजिक्स में भी पढ़ी होगी कि इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग एवरेज रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा क्वांटिटी बाय डेल्टा टी. ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी क्वांटिटी बाय डीटी. राइट, तो इट विल बी डी ऑफ व्हाटएवर क्वांटिटी अपॉन डीटी. कैलकुलस यूज करते हैं. ठीक है, ये बेसिकली अलजेब्रा है और ये कैलकुलस का यहाँ पर यूज आता है.
ठीक है। तो अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल देखना, ठीक है, एक एग्जांपल कैसा रहेगा, लेट्स से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, आर गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है, एंड आपको कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, गिवन द फॉलोइंग डेटा, डेटा है कि टाइम और जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, इसका डेटा दिया हुआ है, 0 सेकंड पर इसका डेटा 100 है, फिर 5 सेकंड निकल गए तो ये 50 हो गया, ठीक है, 10 सेकंड निकलने पर ये 25 हो गया, 20 सेकंड निकलने पर, ठीक है, ये 6.25 हो गया, इस तरीके से ये डेटा गिवन है आपको, ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, तो आपका आंसर क्या रहेगा, योर आंसर विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन 50 - 100 अपॉन टाइम टेकन विच इज 5 - 0, एंड ये आप आंसर दे दोगे अपना एज 10 molar per second, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूंगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन, आपसे पूछूंगा लेट से मैं 5 to 20 सेकेंड, तो आप क्या आंसर दे दोगे, आप बोलोगे एवरेज रेट पूछा है तो डेटा उसी के हिसाब से लेंगे, 6.25 - 50/20 - 5, एंड ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा अजीब सा ही आंसर रहेगा पर ये मेरा आंसर आ जाएगा मोलार पर सेकेंड में, ठीक है। अच्छा, बट अगर मैं आपसे पूछूंगा डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट 15 सेकेंड, तो आप क्या करोगे, ठीक है, एट 15 सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा कि 15 सेकेंड के एकदम बहुत ही छोटे से इंटरवल पे, 15 से 15.00000001 सेकेंड के बीच में कितना रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू विल डू इज यू विल हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। तो फिर आप क्या करोगे, आप अरे आप सबसे पहले ग्राफ बनाओगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का विद टाइम, ठीक है, एंड जो भी आपने टाइम इंटरवल लिया है 0, 5, 10, 15, 20 एंड उन सबका डेटा यहाँ पे प्लॉट करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है, आपको डेटा पता ही है, तो ये डेटा प्लॉट करने पर कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो यहां पर अगर आपको पूछा है कि 15 सेकंड पर कितना है, तो आप क्या करोगे, यहां पर स्लोप निकालोगे, ठीक है, यहां पर आप बोलोगे स्लोप ऑफ ग्राफ, at t equal to 15 second gives rate of reaction, ठीक है, rate यहाँ पे क्या हो जाएगा, minus of
dr by dt. ठीक है, तो ये जो रहेगा स्लोप, एक्चुअली माइनस ऑफ स्लोप. ठीक है, माइनस ऑफ स्लोप विल गिव यू द रेट. ठीक है, ऑल राइट. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था रिगार्डिंग द रेट. ठीक है, अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रहेंगे? इसमें मैंने आपको बोला था दैट देयर आर मेनी फैक्टर्स, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग करेंगे ठीक है, जैसे यहां पर अगर मैं एग्जांपल दूं, ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है कि होमोजेनियस गैस फेज या फिर एक्वस फेज रिएक्शन आर जनरली faster than heterogeneous reaction जिसमें कोई solid वगैरह present हो. ठीक है, सबके सब gas हो या सबके सब dissolved species हो तो उनका reaction काफी fast होता है as compared to मान लो कोई solid का reaction करना है. ठीक है, solid में भी ऐसा होता है, पाउडर्ड सॉलिड रिएक्ट फास्टर देन बल्क सॉलिड. ऐसा क्यों? बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाता है पाउडर्ड सॉलिड के अंदर, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मतलब केमिकल रिएक्शन छोड़ो, मैं तो इसके बात करता हूँ शुगर को. शुगर को जब आप पानी में मिलाते हो तो अगर आप बारीक शुगर डालते हो तो वो जल्दी घुल जाता है एज कंपेयर टू जो मोटे मोटे दाने वाला शुगर डालते हो. तो ये भी एक फैक्टर होता है. ठीक है, या फिर आप ऐसा मानो इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर फोटो सेंसिटिव रिएक्शन. चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन के अंदर लाइट का रोल हो. ठीक है, बट कुछ ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं जो कि फोटो सेंसिटिव हो, तो उसमें कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या इंटेंसिटी है लाइट की, उससे रेट चेंज हो जाए. तो ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हैं. तो ऐसे लिस्ट बहुत सारी है. ठीक है, लिस्ट बहुत सारी है, बट हमें तीन फैक्टर्स पे मेजरली फोकस करना है. तो हमारा जो डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा, to be done for three factors. क्या बताए थे मैंने आपको? Three factors. Concentration,
टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, ठीक है, इन तीनों के ऊपर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब वैसे तो टाइम बहुत कम बचा है तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी स्टार्ट नहीं करूं, ठीक है, तो अगली क्लास में ही कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं, आप लोग वॉल्यूमेट्रिक का कुछ और डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, या फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपना कल ही है वैसे तो यहीं से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है? हाँ, मैं मॉड्यूल के लिए आशीष से बात कर लेता हूँ, मैं मॉड्यूल आप लोगों को भिजवा दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और डाउट? नहीं है तो फिर मैं क्लोज कर दूं अभी का लेक्चर। चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर कल यहीं से स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन से। ओके, चलो, थैंक यू गाइस।